दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। अब जेल में बंद केजरीवाल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर लड़ेंगे भी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जेल में रहते हुए उन्हें वोट देने की इजाजत नहीं है। है ना हैरानी वाली बात? जेल में रहते हुए जब इलेक्शन में खड़ा होने का हक मिल सकता है तो वोटिंग का क्यों नहीं? आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत में कौन चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक AI के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जेल की सजा काट रहे हैं। भारत में जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ा जा सकता है लेकिन वोट नहीं दिया जा सकता। लगभग 1.5 दशक पहले पटना हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। अदालत ने इस पर मना करते हुए कहा कि जब कैदियों को वोट देने का हक नहीं है तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में तत्कालीन UPA सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए जेल में बंद लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी। ये साल 2013 की बात है, लेकिन जेल में बंद शख्स के पास वोटिंग राइट अब भी नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RP एक्ट 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, फिर चाहे वो हिरासत में हो या सजा काट रहा हो। वोट डालना एक कानूनी अधिकार है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसका ये हक अपने आप निरस्त हो जाता है। दोषी के अलावा जिन पर ट्रायल चल रहा हो वे भी इलेक्शन में मतदान नहीं कर सकते। कैदियों को मताधिकार से वंचित करने का इतिहास अंग्रेजी जब्ती अधिनियम 1870 से दिखता है। इस दौरान राजद्रोह या गुंडागर्दी के दोषी लोगों को अयोग्य ठहराते हुए उनसे वोट का अधिकार ले लिया जाता था। वजह ये दी गई कि जो इतने गंभीर क्राइम कर रहा है उसे किसी भी तरह का अधिकार, वोटिंग राइट भी नहीं मिलना चाहिए। यही नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी लागू हो गया। इसके तहत कुछ खास तरह के अपराधों पर सजा काट रहे लोगों को मतदान से रोक दिया गया। हालांकि 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ने इसे नए सिरे से देखा। इसमें हर शख्स जो जेल में हो, आरोपी या दोषी हो, तो उसका वोटिंग राइट ले लिया जाता है। लेकिन इस प्रावधान में उन लोगों को छूट मिलती है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो, मतलब किसी भी वजह से सरकार को शक हो या उसके बाहर रहने से उपद्रव हो सकता है और इसे ही टालने के लिए उसे नजरबंद कर दिया गया हो, ऐसे लोग वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुलिस के घेरे में पोलिंग स्टेशन ले जाया जाएगा या फिर उसे औपचारिक तौर पर स्थानीय प्रशासन को इत्तला करनी होगी कि वो इस समय इस बूथ में जा रहा है, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। अगर दोषियों, यहां तक कि आरोपियों के पास भी वोटिंग का अधिकार नहीं तो इलेक्शन में दावेदारी का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक को लेकर कोर्ट्स में काफी बातचीत होती रही। फिर माना गया कि कई बार राजनैतिक लड़ाई में भी लोग विपक्ष को अंदर करवा देते हैं। ऐसे में जेल में होने की वजह से ही एक काबिल शख्स चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, ये सही नहीं है। यही तर्क देते हुए साल 2013 में RP एक्ट के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ। इसमें जेल में रहते हुए इलेक्शन में दावेदारी की छूट मिल गई। वो चुनाव में कैंडिडेट हो सकते हैं, अपने लोगों के जरिए चुनावी प्रचार भी करवा सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते। यहाँ तक कि जेल से बेल पर बाहर आना भी उन्हें ये सुविधा नहीं देता। आरोप मुक्त होने या सजा पूरी होने के बाद ही कोई वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकता है। खबर है कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उसके वकील ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल एक साल से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उसे पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल पर NSA के तहत कार्रवाई की गई थी। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है या न्यायिक हिरासत में है तो उसके चुनाव लड़ने पर तब तक रोक नहीं है जब तक उसे किसी मामले में दोषी करार न दिया गया हो। दोषी करार दिए जाने के बाद भी अगर सजा 2 साल से कम है तो चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है। ऐसे मामले में व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
ये 6 साल सजा खत्म होने के बाद गिने जाएंगे। मसलन किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है तो वो 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। जन प्रतिनिधि कानून की धारा 4 और 5 के मुताबिक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान के मुताबिक भारत में कोई भी चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।